नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में बीटा फंक्शन की स्टडी किया, आज हम गामा फंक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं। गामा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा इंटीग्रल है जिससे हम इजीली हमारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकते हैं। कई जगह जहाँ पर फैक्टोरियल हम अप्लाई ना कर पाएँ तो गामा फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। फैक्टोरियल और गामा में क्या रिलेशन है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमारे इंटीग्रेशंस में हेल्प करेंगी, उनको भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। गामा फंक्शन कैसे डिफाइन किया जा सकता है और किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इस वीडियो में देखते हैं। गामा एन ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइटी ई टू द पावर माइनस एक्स इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स वेयर एन इज पॉजिटिव। ये होता है हमारा गामा एन। यदि आपको मैं याद दिलाऊं प्रीवियस वीडियो में, तो यही लिख देता हूं मैं, बीटा एम एन भी था वो था 0 टू 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। बच्चों, जब तक आपको डेफिनेशन का ढंग से पता ना हो तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको बार बार ये जरूर याद दिलाता रहूँगा कि गामा फंक्शन देखिए ये है, बीटा फंक्शन ये है। गामा फंक्शन यदि हम ये देख रहे हैं, गामा एन इक्वल्स टू दिस वन जीरो टू इन्फाइनिटी, द वैल्यू ऑफ गामा वन इज ऑलवेज वन। कैसे? यदि हम इसमें एन को वन पुट करते हैं तो गामा वन जो होगा जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू दियर माइनस एक्स एक्स टू दियर वन टू वन माइनस वन, ये एक्स टू दियर जीरो हो जाएगा और एक्स टू दियर जीरो वन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ये होगा ई टू दियर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, इंटीग्रेशन की है लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइटी माइनस वन आउटसाइड ई टू दियर माइनस इन्फाइनाइटी एंड माइनस ई टू दियर जीरो। बच्चों, ई टू दियर माइनस इन्फाइनाइटी हमेशा जीरो होता है और ई टू दियर जीरो वन, तो ये वैल्यू आती है वन। तो ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ गामा वन इज ऑलवेज वन। एक तो बात यह होगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनको मैं आपको सिखाता चलूंगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यदि हम चलें तो ये सेकंड रिजल्ट है। ये बड़े रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर के लिए। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां भी बैठने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वहां पर भी हमारे लिए टू मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एप्लीकेबल भी है। सो गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन, ये हमें प्रूव करना है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एन इक्वल्स टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। बच्चों, यदि आपको याद हो फैक्टोरियल यदि लेते थे तो फैक्टोरियल एन लिखना होता था तो एन माइनस वन ना हो करके एन आउटसाइड आता था और एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि गामा एन प्लस वन है तो एक लेस आउटसाइड भी होगा और इनसाइड भी होगा, जबकि यदि हम फैक्टोरियल एन लिखते थे तो ये बाहर एज इट इज आता था और इनसाइड में एक कम होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक कम तो होगा लेकिन इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ये ध्यान रखने की जरूरत है और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात बताई। चलो चलते हैं इसके प्रूफ की साइड, प्रूफ देखते हैं। देखिए, वी नो द वैल्यू ऑफ गामा एन इज जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू दर माइनस एक्स एक्स टू दर एन माइनस वन डी एक्स। ये ई टू दर माइनस एक्स एक्स टू दर माइनस वन डी एक्स गामा एन की डेफिनेशन है। यदि हम इसी बिहाफ पर गामा एन प्लस वन लें तो इट विल बी जीरो टू इन्फाइनाइटी ई टू दर माइनस एक्स एक्स टू द पावर, इसकी जगह ये माइनस वन डी एक्स, और आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो गामा एन प्लस वन था तो हमने ये लिखा और यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी जीरो टू इन्फाइनाइटी ई टू दर माइनस एक्स इन टू एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये रहा। दोस्तों, जो हम ये सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, अब चाहते हैं हम कि इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हार्ड हो, लेकिन आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके हो, उन वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी सीखा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई आइलेट टेक्निक। सो आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है और ये एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको हम सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस पर मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ। इस पर हम जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन देखिएगा कि किस तरीके से है। इधर गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज होता है और सेकेंड का इंटीग्रेशन ये आया, हम ऐसे ले सकते हैं, एंड लिमिट जो है हमारे पास वो जीरो टू इन्फाइनिटी,
माइनस, ध्यान रखिएगा क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया हमने, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो ई टू दी और माइनस एक्स ओवर माइनस वन, ये डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये बात ध्यान ना रहे, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक रेड पेन से ये लिख दूं कि यदि हमें यू वी डी एक्स, यू फर्स्ट हो ये सेकेंड हो, आईलेट हमें अप्लाई करना हो, तो आप देखिए फॉर्मूला ये है, दिस वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये रहा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो भी ये आ रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है और वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें यदि हम माइनस आउटसाइड ले सकते हैं, एक्स टू दी आर एन ई टू दी आर माइनस एक्स लिमिट जीरो टू इन्फाइनिटी दिस वन माइनस, और ये माइनस और ये माइनस आउटसाइड होता है तो प्लस हो जाएगा, एन भी आउटसाइड ले लेते हैं क्योंकि एन कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू दी आर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये लिख दिया। दोस्तों अक्सर हमने देखा है, ये वैसे बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि हम इन्फाइनाइट रखते हैं तो ई टू आर माइनस इन्फाइनाइटी जीरो होगा, तो ये जीरो, और जीरो रखेंगे लोअर लिमिट तो ये जीरो हो जाएगा, तो ऐसे देखने पर तो हम बोल सकते हैं कि ये जीरो होगा, लेकिन कुछ टेक्निकली हम रॉन्ग हैं, वो मैं आपको जरूर इस वीडियो में शेयर करूंगा बातें, बट मैं बोलता हूं कि ये जीरो आ गया, इसको बताना है मुझे, अभी मैं बताऊंगा कि ये जीरो कैसे आ रहा है, बट वैसे ही फौरी तौर पर देखें तो हम कह रहे हैं कि इन्फाइनाइट रखेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट जीरो होगा, जीरो रखेंगे तो ये जीरो होगा, तो दोनों टर्म्स जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएंगी, एंड प्लस एन टाइम्स जीरो टू इन्फाइनाइटी e to the r minus x into x to the n minus 1 dx, और ये फॉर्मूला जो होता है, ये जो है हमारे पास आप जानते हैं ये गामा n होता है, तो गामा n आ गया और लेफ्ट हैंड में गामा n प्लस 1 था, तो ये रिजल्ट आ गया। लेकिन मैं आपको वो बात बता दूं, रिजल्ट हमें मिल गया लेकिन मैं आपको वो बात सिखाना चाहता हूं यहां पर जो दिक्कत करते हैं, अक्सर हम गलत लिख जाते हैं और हम समझने में भी गलती करते हैं, वो आप जरा देखिएगा। दोस्तों जब हम यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट कर रहे होंगे, आप देखिएगा ध्यान से इस बात पर देखिएगा कि इन्फाइनाइट यदि हम पुट कर रहे होंगे तो ये इन्फाइनाइट हो रहा होगा और ई टू आर माइनस इन्फाइनाइटी ये जीरो होगा, और इन्फाइनाइटी इंटू जीरो क्या होता है, अब देखिए इन्फाइनाइटी इंटू जीरो दैट इज जीरो बाई जीरो या इन्फाइनाइटी बाई इन्फाइनाइटी, ये दोनों के दोनों हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो आप समझिएगा क्या करना होता है, हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स टू देयर एन, दिस इज एक्स, एक्स टू देयर एन ओवर ई टू दी पावर एक्स। अब ये जो लिमिट है यदि हम लें तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट या जीरो बाई जीरो फॉर्म पर ही हमारा एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। यहां जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन ये। दोस्तों जब तक हम इसको खत्म ना कर लें तब तक आपका इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आती रहेगी। तो इसे हम एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक्स से फ्री होगी, और अपॉन ई टू दी बार इन्फाइनाइटी इन्फाइनाइट होता है तो समथिंग अपॉन इन्फाइनाइटी विल गिव जीरो। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, बट फौरी तौर पर हम ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं दिखाते यहाँ पर, हम कहते हैं कि इन्फाइनाइट रखा तो जीरो आ गया, जीरो रखा तो जीरो आ रहा, बट ऐसा नहीं है, ये वर्क हमें करना होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब कभी भी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए तो इसे हम जरूर जानेंगे। एक बात और, थर्ड रिजल्ट की तरफ चलता हूँ, बहुत सिंपल से रिजल्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिलेशन, यदि हमें देखना हो कि रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टोरियल इन दोनों में, ये आप देखिए ये गामा है हमारा नोटेशन और ये फैक्टोरियल है, इन दोनों में हमें रिलेशन यदि डिफाइन करना हो तो वो गामा में रिलेशन, ये गामा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ये रिलेशन होता है यदि एन इंटीजर है तो, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तब। आता कैसे, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा इसके डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको कि यदि हमें गामा सेवन लेना हो तो गामा सेवन कैसे लेंगे। आपने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि गामा एन प्लस वन एन गामा एन था, तो गामा सेवन, गामा सेवन कैन बी रिटन एज गामा सिक्स प्लस वन, क्योंकि गामा एन प्लस वन में ले सकते हैं।
तो ये कितना होगा, ये 6 गामा 6 होगा। और दोस्तों यदि गामा 6 को लिखेंगे तो 5 गामा 5 होगा, और ऐसे ही चेन चलती रहेगी 4, 3, 2 और 1 गामा 1 आएगा। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा है कि गामा 1 1 होता है, तो इससे हमें ये पता चला ये कुछ भी नहीं है, ये फैक्टोरियल 6 है। तो अब देखिए गामा 7 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 आई है, तो गामा एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन माइनस 1 होगी, और गामा एन प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो आप ऐसे देख रहे थे। तो या तो आप इसे लिख दें या इसे लिख दें, दोनों बातें सेम हैं, बट जब n पॉजिटिव इंटीजर है तब के बारे में हम बात कर रहे थे। ये रहा आपका गामा के बारे में कुछ सिंपल सिंपल से रिजल्ट्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। बच्चों कई बार मैंने क्लासेस में ये सीखा है आपसे और देखा है कि जब जब मैं ये बातें आगे पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ तो तब आप कहते हैं कि अच्छा तो लग रहा है ये सब है, लेकिन इन सब बातों को हम ध्यान कैसे रखेंगे। अभी मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताने जा रहा हूँ, उन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ। कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमें ये रिजल्ट्स प्रूव करने होते हैं, तो हमें शुरुआत में पता नहीं होता कि हमें क्या पुट करना होगा और हम क्यों कर रहे हैं ये सब बातें। तो हो सकता है कि मैं इन सब बातों को आपको प्रूव करते वक्त कुछ ट्रिक्स आपको बताऊं, कुछ आपको याद करने की विधि बताऊं कि आप ध्यान रखें जब कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको अज्यूम करना होगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ एजम्पशन पे चलती है, मैथमेटिक्स एजम्पशन पे चलता है। यदि एजम्पशन नहीं है तो हम मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। आप ध्यान करिएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहला लेटर या वर्ड लेट या अज्यूम दैट लिखते हैं, तो वह एजम्पशन ही हमारे लिए हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं, बेस होता है जिस पर हम बहुत बड़ी मीनार खड़ी करते हैं। तो वो जो बेस है हमारा वो हर क्वेश्चन में कुछ अलग होगा, अलग तरीके का होगा। तो आइए वो ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं और उन ट्रांसफॉर्मेशन से रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं, रिसर्चर्स ने कैसे कैसे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमें दे रखे हैं जिससे हमारी मैथमेटिकल लाइफ ईजी हो गई है, उसे सीखते हैं आइए। So, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर, ये हम ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस में रिजल्ट नंबर 1 हम प्रूव करते हैं। ये क्या है, प्रूव दैट गामा एन इक्वल्स टू, मैं इधर लिखता हूँ, 0 to infinity e to the power -kx x to the power n-1 dx और ये आपका k to the power n, ये रिजल्ट होगा। ओके, इसे देखते हैं कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये बात देखते हैं। ये k, वी डोंट नो k इज एनी कांस्टेंट, जो भी है यहां लिखा हुआ है कि k कोई भी एक कांस्टेंट है, दैट इज दिस वन। सो वी नो अभी तक तो हमने जितना सीखा है उसमें सबसे बड़ा वर्क डेफिनेशन का है, तो गामा एन इक्वल्स टू 0 to infinity e to the power -x x to the power n-1 dx, ये दिखा। लेट किया x इक्वल्स टू के वाई, यहां मैं कहा कि एजम्पशन बहुत जरूरी है, ये एजम्पशन हमें ध्यान रखनी होगी, इनका विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि ये क्वेश्चन है इस टाइप का है तो हमें क्या ज्यूम करना चाहिए। तो x इक्वल्स टू के वाई है, dx इक्वल्स टू के डी वाई होगा, और जब हम ये एजम्पशंस लेते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होती हैं। इन लिमिट्स को चेंज करने के लिए ध्यान रखिए कि लिमिट्स कैसे चेंज होती हैं। बच्चों जब हमने x को 0 लिया तो के वाई भी 0 होगा, और के वाई 0 होने का मतलब y 0 होगा। जब हमने x को इन्फाइनाइट लिया तो x की जगह के वाई इन्फाइनाइटी है तो y भी इन्फाइनाइटी होगा। लकीली हम लिमिट्स चेंज कर रहे थे लेकिन लिमिट चेंज हुई नहीं, लिमिट वही बनी रही। अक्सर कई बार बुक में ऐसा लिखा नहीं होता और हम लोग इन बातों पे ध्यान भी नहीं देते, मैं ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों पे ध्यान रखेंगे। सो मैं इधर लिखता हूं, गामा एन इक्वल्स टू, यहां पर हमने पुट किया 0 to infinity e to the power -ky एंड एक्स, व्हाट इज एक्स, के वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स आपका के डी वाई होगा 0 to infinity, जरा ध्यान दें, के टू दी पावर एन माइनस वन इन टू के, तो ये आउटसाइड आ जाएगा, के टू दी पावर एन दिस वन ई टू दी पावर माइनस के वाई वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी वाई रह गया। अब रिजल्ट हमें प्रूव करना था ये एक्स में, लेकिन यहां रिजल्ट आ रहा है वाई, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं 0 to infinity e to the power -kx
इनटू एक्स टू दी आर एन माइनस वन डीएक्स। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं इस बात को, तो हो सकता है कि कोई बच्चा एक अलग तरीके का माइंड चलाए और वो ये कहे कि यहां आपने कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि एक्स तो के वाई था, तो वाई की वैल्यू तो एक्स अपॉन के रखनी चाहिए थी हमें। तो बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमने एक्स को के वाई रखा, हमने लिमिट चेंज कर दिया, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम 12th लेवल पर पढ़ते आए हैं कि वैल्यू या वेरिएबल बदल देने से कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदला करती। इसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल ये दूं कि 0 to 1 x² dx और 0 to 1 y² dy, यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू सेम होगी? तो ये x³/3, तो ये वैल्यू 1/3 आएगी। यदि मैं इसे करूं तो y³/3, ये वैल्यू रखें तो ये भी 1/3 आएगी। तो ये बात ये बताती है कि आप कोई भी इंटीग्रेशन करें, डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल यदि चेंज करते हैं, तो वेरिएबल चल चेंज करने से इंटीग्रल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुआ करती। तो इस वजह से हमने वाई की जगह एक्स लिखा है। और जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो बिकॉज करके एक बात जरूर लिखिएगा, 0 या a to b fy dy इज ऑलवेज इक्वल टू a to b fx dx। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको रिवाइज करने के बहाने ये आपको बता दिए। एक रिजल्ट और लेता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी बहाने वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकती है, रिजल्ट नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, कॉपी पेन लेके इस जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप कॉपी पेन लेके पढ़ें, जिससे आपके लिए आसान हो, और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें जिससे कि आपको पॉज ना करना पड़े और जल्दी से आप सीख जाएं। नेक्स्ट लेते हैं रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 के बारे में यदि हम बात करें तो हमें ये प्रूव करना है सेकंड रिजल्ट में कि गामा एन की वैल्यू जो भी यहां पर लेना चाह रहे हैं, 0 to 1, लिमिट देखिए बदल गई, लॉग ऑफ 1 over x^n-1 दिस वन डीएक्स, एंड इन्होंने कहा एन इज पॉजिटिव, इसके बारे में बात करना है हमें। ओके, बात वही है कि हमारे पास तो सिर्फ एक वेपन है, और वेपन क्या हो सकता है, वो वी नो दैट गामा डेफिनेशन, और गामा डेफिनेशन जो है वो है 0 to ∞ e^(x, x^n-1) dx। अब प्रॉब्लम है, हमें लाना रिजल्ट ये है। इस रिजल्ट को लाने के लिए देखिएगा कि हम रिजल्ट आ गया लॉग में, हम इसमें क्या ट्रांसफॉर्म करें ऐसा जिससे रिजल्ट लॉग में आए। तो दोस्तों एक बात का ध्यान है कि e का उल्टा लॉग होता है, तो बेहतर है कि हम इसी को ही कुछ एज्यूम करें। तो ऐसे में अब हम अपना एज्यूमशन लगाते हैं, लेट e^(-x) = y। जब हम e^(-x) = y लेंगे तो जो माइनस एक्स होगा वो लॉग वाई होगा, या x = log-log y होगा। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ कि log y यदि आउटसाइड है, ये माइनस है तो ये ऊपर भी जा सकता है, log y टू दी पावर माइनस वन, और यदि ऐसे जाता है तो log इसे 1/y। अब कैसे आया ये जरूर समझें यहाँ से। मैं आपको ये बताता हूँ कि x = a log b है, तो ये वैल्यू log b^a लिखा जा सकता है, या ये है तो a log b लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस था ये इसकी पावर में गया, जैसे यहाँ पर आ, और इस पावर log y^(-1) कैन बी रिटन एज log 1/y। तो मैं ये क्लीन करता हूँ क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ी एलिमेंट्री लेवल की है। ओके, वापस आते हैं। फिर वही एक बात, लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा। मैं लिमिट पेन बदलता हूँ, होप आपको ये रेड पेन दिख रहा होगा, मैं रेड पेन से चेंज कर रहा हूँ। यस, तो ऐसे में यदि हम x को 0 रखते हैं, ध्यान से देखें, यदि हम x को 0 रखते हैं तो क्या होगा, x 0 है तो e^0 1 होगा, तो y की वैल्यू 1। यदि x इन्फाइनाइट है तो y e^-infinity 0 देगा, ये आपके लिमिट हो गई, ये आप देख लीजिए। बट यहां x = log 1/y था, बट आई हैव टू डू फॉर dx, व्हाट विल बी dx, इट विल बी log 1/y, तो 1/1/y, एंड डिफरेंशिएशन 1/y इज -1/y². तो ये y ऊपर जाएगा तो सिर्फ -1/y रह जाएगा। तो आइए ये सब जितने भी हमने रॉ मटेरियल तैयार किए हैं इनको एक रेसिपी बनाने के लिए ये सब यूज करते हैं। आइए, सो द वैल्यू ऑफ गामा एन, लिमिट देखिए
जीरो टू इन्फानाइट नहीं होगी, जब जीरो है तो वन आया और इन्फानाइट है तो जीरो आया। e टू देर माइनस x को हमने y एज्यूम किया है, x टू दी पावर n माइनस वन, तो x था हमारे पास log वन अपॉन y, तो ये आया log वन ओवर y टू दी पावर n माइनस वन, और dx की जगह रखा हमने माइनस वन ओवर y dy। ये y से y कैंसिल आउट हुआ, माइनस आउटसाइड वन टू जीरो log 1 ओवर y टू दी पावर n माइनस वन dy। बच्चों आपने ट्वेल्थ में एक और पढ़ा है कि यदि हम इन लिमिट को इंटरचेंज करें अपर और लोअर को, तो माइनस आउटसाइड आ जाता है, तो माइनस से माइनस होके प्लस, log 1 ओवर y टू दी पावर n माइनस वन dy। और लास्ट लाइन लिखता हूँ कि इसको मैं x में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी कहती है कि y या x बदलने से कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदला करती। तो मैंने इसको लिख दिया। बच्चों ये रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किए हैं। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन और भी है लेकिन मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आपको बता पूछता हूँ आपसे कि क्या आपसे ये सॉल्व हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रिजल्ट नंबर थ्री, ये आपको ट्रांसफॉर्म करना है कि गामा एन इक्वल्स टू वन ओवर एन जीरो टू इन्फाइनाइटी दिस वन ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स dx, ये आपको प्रूव करना है। और कैसे आप प्रूव कर सकते हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। बच्चों हमने पहले में x को ky पुट किया, दूसरे में e टू दी पावर माइनस x को पुट किया, अब बचा है एज्यूम करने के लिए तो सिर्फ x टू दी पावर n, उसको भी चेंज करके देखिए। हिंट यहाँ दे दिया मैंने कि x टू दर n इज इक्वल टू यदि y पुट किया जाए तो ये रिजल्ट हमें मिल सकता है। ये जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। यदि नहीं होता है तो गारंटी है कि आपको इसका आंसर मेरे द्वारा नई वीडियो में ज़रूर मिलेगा। बच्चों ये थी हमारी इस वीडियो का काम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रीफ कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने पहली वीडियो जो देखी थी वो बीटा फंक्शन की थी, ये गामा फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन क्वेश्चन माइंड में उठता है कि हम बीटा को अलग पढ़ रहे हैं, गामा को अलग पढ़ रहे हैं, क्या बीटा और गामा में कोई रिलेशन है? तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि रिलेशन है या नहीं, और यदि है तो वो कैसा है और किस तरीके के एप्लीकेबल है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।